हेलो बच्चों दिस इज मी महिमा एंड आज मेरे साथ हम सॉल्व करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर सिक्स ये वर्कशीट सिक्सटींथ ऑफ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के लिए है चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट हमें क्या दिया गया है दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए आपको क्या करना है सबसे पहले जो भी पद्यांश आपको दिया गया है उसे ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस पुट किए गए हैं उनके आंसर्स देने हैं तो चलिए हम अपने पद्यांश को देख लेते हैं सबसे पहले कि हमें क्या दिया गया है खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी में खड़े रहो अपने पथ पर सब कठिनाई तूफानी में यानी कि हिमालय हमसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आंधी पानी तूफान बारिश कुछ भी होता है हिमालय अपने स्थान से नहीं हटता है इसी तरीके से मनुष्य को अपने स्थान पे आ, मतलब अपना जो भी हमने डिसाइड किया है उस पर अडिग रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए डिगोन अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे उसने क्या बोला है डिगोन अपने प्रण से यानी कि जो भी आपका एम है आप डिसाइड कर चुके हैं उससे आपको नहीं हटना है और उसके लिए लगातार संघर्ष करना है तो तुम क्या बोला है सब कुछ पा सकते हो प्यारे तुम भी ऊंचे हो सकते हो छू सकते हो नब के तारे यानी कि ऊंचे होने का मतलब आपकी हाइट ऊंची होने की बात नहीं हो रही है बोला है तो तुम भी ऊंचे हो सकते हो मतलब लाइफ में जो भी आपने चाहा है उसे अचीव कर सकते हो छू सकते हो नब के तारे यानी कि लाइफ में कुछ भी पा सकते हो अगर आपके अंदर ऐसा टैलेंट है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने से डरते नहीं हैं तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो वो पा सकते हो अचल रहा जो अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में यानी कि जिस इंसान ने कभी भी अपनी लाइफ में ये डिसाइड कर लिया कि मुझे यही करना है और उसके लिए उसने लगातार संघर्ष किया है और आगे बढ़ता रहा है किसी के भी समझाने से या किसी के भी रोकने से वो रुका नहीं है तो उसने अपनी लाइफ में हर वो चीज़ पाई है जो उसको पाना चाहिए था या जो वो डिज़र्व करता है ठीक है जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय इसलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय यानी कि सारे बहुत सारे दुनिया में पर्वत है पहाड़ हैं लेकिन सब में सबसे बड़ा कौन सा है हिमालय है वो क्यों है क्योंकि वो अपने स्थान पे खड़ा रहा बहुत सारे पर्वत और पहाड़ ऐसे होते हैं जो टूट कर गिर जाते हैं बड़े तूफानों में ठीक है लेकिन हिमालय आज तक गिरा नहीं गिरा तो इसीलिए वो आपको प्रेरणा देता है कि आपको भी आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस पर अडिग रहना है और अपने लक्ष्य के लिए लगातार आपको आगे बढ़ना है संघर्ष करना है संघर्षों से डरना नहीं है घबराना नहीं है संघर्ष करते जाना है तो कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि जब आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा और आप भी हिमालय की तरह बहुत ऊंचे हो जाएंगे ऊंचे होने का मतलब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे आपको वो सम्मान प्राप्त हो जाएगा जो आप पाना चाहते हैं तो चलिए यह है हमारा आज का पद्यांश आई होप आपको समझ में आया होगा इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपको हिमालय की कौन सी बात अच्छी लगती है कोई दो लिखिए आपको हिमालय की कोई भी दो बातें लिखनी हैं जो आपको अच्छी लगती हैं क्वेश्चन नंबर टू है मुसीबत के समय क्या करना चाहिए पद्यांश के आधार पर सोच कर लिखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है इस पद्यांश इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए यानी आपके अकॉर्डिंग और क्या शीर्षक हो सकता है वो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है इस काव्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम लिखिए कौन सा रस और अलंकार यूज़ हुआ वो बताना है आपको और आज का अंतिम प्रश्न है हिमालय के किन किन गुणों को आप अपने अंदर देखते हैं और ऐसे कौन से गुण शेष हैं जिसे आप अपनाना चाहेंगे सोच कर लिखिए यानी कि हिमालय में ऐसे कौन से गुण हैं जो आपको लगता है कि मुझ में भी हैं और ऐसे कौन से गुण हैं जो आपको लगता है आप में है नहीं पर आप अपनाना चाहते हैं कि आपके अंदर वो होने चाहिए ठीक है तो ऐसी चीज़ें लिखनी है चलिए देखते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर तो आज का हमारा पहला प्रश्न है आपको हिमालय की कौन सी बात अच्छी लगती है कोई दो लिखिए हमें हिमालय की निम्नलिखित बातें अच्छी लगती हैं। नंबर एक हिमालय अपने स्थान पर अड्डिक होकर खड़ा रहता है और नंबर दो हिमालय संघर्षों का सामना करने का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है यानी कि उसने हर तरीके संघर्ष का सामना किया है और जीवन में आगे बढ़ा है प्रश्न नंबर दो की बात करते हैं मुसीबत के समय क्या करना चाहिए पद्यांश के आधार पर सोच कर लिखिए तो उत्तर है मुसीबत के समय व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए वरन सभी प्रकार की बाधाओं का डटकर सामना करना चाहिए प्रश्न नंबर तीन है इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए तो इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक मैंने हिमालय लिखा है आप कोई और भी लिख सकते हैं क्योंकि एक काव्यांश के एक से अधिक शीर्षक हो सकते हैं एक से अधिक नहीं बहुत सारे शीर्षक हो सकते हैं और आज का चौथा प्रश्न है इस काव्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार के नाम लिखिए तो इसका उत्तर है इस पद्यांश में वीर रस का प्रयोग किया गया है जिसका स्थायी भाव उत्साह है तथा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है क्योंकि आपने देखा यहाँ वीरता की बात की गई है इसलिए वीर रस का प्रयोग किया गया है आज का अंतिम प्रश्न है हिमालय के किन किन गुणों को आप अपने अंदर देखते हैं और ऐसे कौन से गुण शेष हैं जिसे आप अपनाना चाहेंगे सोच कर लिखिए तो सबसे पहले वो गुण बताने हैं जो आपके अंदर ऑलरेडी हैं और दूसरा वो गुण बताने हैं जो आप अपनाना चाहते हैं ठीक है मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है आप चाहें तो अपने गुणों के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं हम हिमालय की तरह निडर होकर सभी संघर्षों का सामना करना और विश्वास को बनाए रखना आदि गुणों को अपने अंदर देखते हैं नंबर दो हम हिमालय की तरह अडिग रहकर विजय को प्राप्त करना गुण को अपनाना चाहते हैं तो ये हो गए हमारे आज के दो पॉइंट्स आप अपनी अकॉर्डिंग अपना पॉइंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं तो ये है हमारे आज के सभी आंसर्स आई होप आपको समझ में आए होंगे आपको समझ में आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है